प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में महासंपर्क अभियान के तहत झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी एवं राज्यसभा सांसद कृष्णपाल पवार ने महाराजगंज जिला मुख्यालय स्थित जिला पंचायत सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार के बीते 9 वर्ष की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने सरकार की सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण योजनाओं के बल पर आने वाले लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 9 सालों में सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण कार्य के कारण देश में बदलाव आया। ये भारत का स्वर्णिम वर्ष है। मैं 2-3 चीज कहना चाहता हूँ जो देश में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है कि आजादी के 70 साल तक जब जब चुनाव होता था तो सभी लोग कहीं ना कहीं गरीबों की बात करते थे और गरीबों की चिंता करने का काम कोई नहीं करता था। अगर चिंता करने का काम किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है और बिना किसी भेदभाव के किया है, सबका साथ सबका विकास का जो नारा था उसके चरितार्थ करते हुए किया है और जो भी समस्या उन्होंने उठाया है उसको जड़ से समाप्त करने को टारगेट किया है। गरीब को जीवन जीवित करने के लिए जो आवश्यक आवश्यकता की चीज़ होती है, हर आदमी को एक मकान चाहिए उसको भी हमने देने का काम किया, मकान में शौचालय होना चाहिए वो भी हमने देने का काम किया, बिजली का कनेक्शन होना चाहिए वो भी मोदी जी ने देने का काम किया, खाना बनाने के लिए गैस का सिलेंडर होना चाहिए वो भी हमने देने का काम किया, गरीब आदमी है तो उसको मुफ्त में राशन मिलना चाहिए वो भी हमने देने का काम किया, किसान को सहायता के रूप में 6,000 रुपये का हमने मदद करने का काम किया। गरीब आदमी कभी जीवन बीमा नहीं करा सकता था, सुरक्षा बीमा नहीं करा सकता था, 12 रुपये में हमने दुर्घटना बीमा 2 लाख का उसका कराया, 330 रुपया में उसका जीवन बीमा हमने कराया और साथ ही साथ जहाँ गरीबों का कल्याण किया वहीं भारत का गौरव भी बढ़ाने का काम किया। अगर आप देखें तो जिले देश में कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 7 IIT खुले जो बढ़कर के 23 हो गए हैं, 7 AIIMS खुले जो बढ़कर के 23 हो गए हैं और कहीं ना कहीं इसी प्रकार से अगर आप देखें कि दुनिया के पटल पे भी भारत का गौरव बढ़ाने का काम किया है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने चर्चा किया हिरोशिमा का और ऑस्ट्रेलिया का, जिस प्रकार से सम्मान वहाँ के नेताओं ने दिया है वो तो केवल मोदी जी का सम्मान नहीं बढ़ा है बल्कि जो देश में भारत का सम्मान बढ़ा। मित्रों, और मैं एक विषय और कहना चाहता हूँ, वित्त मंत्री होने के नाते 100 साल में पहली बार इतनी बड़ी त्रासदी आई थी कोविड की, भारत ही नहीं पूरा दुनिया त्रस्त था, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि एक समय था कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बैठी हुई थी, भारत की भी बैठी हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में और निर्मला सीतारमण जी के देख रेख में हम लोगों ने V-शेप में अर्थव्यवस्था को वापस लाने का काम किया और उस कोविड काल में भी हमने जनता का साथ नहीं छोड़ा और 20 लाख करोड़ का पैकेज दे करके, गरीब कल्याण पैकेज दे करके हर गरीब का मदद करने का काम हमारी सरकार ने किया और हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का रास्ता नहीं छोड़ा। बजट के दिक्कत होने के बावजूद भी पहले साल 5 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया, दूसरे साल 7.5 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया और इस साल हमने 10 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया है ताकि देश में जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक हमारा विदेशी